दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के पावर सेविंग मोड एरर के बारे में। आपने कभी इस तरह की प्रॉब्लम फेस की हो तो आपको पता होगा इस कंडीशन के अंदर आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता। जब भी आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक मैसेज शो होता है पावर सेविंग मोड एरर या पावर सेविंग मोड ये लिखा आता है। तो उस कंडीशन में आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होता या डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं आता। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा इसके मैक्सिमम रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। यूट्यूब पर और भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं। तो बेसिकली क्या होता है, रैम निकालने से और दोबारा लगाने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन और भी कई सारी प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से पावर सेविंग मोड एरर की प्रॉब्लम आ सकती है और इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं वो भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर कोई भी स्टेप आप मिस मत करना। जो जो चीज़ आपको बताऊंगा आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना जिससे आपके कंप्यूटर में और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, आपको मैंने दिखाने के लिए अपना सीपीयू ओपन कर रखा है। इसमें मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि पावर सेविंग मोड की एरर जो आती है वो किस वजह से आती है और उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम न्यू रैम परचेज करते हैं और अपने मदरबोर्ड में ला के लगा देते हैं, उसके बाद जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता, पावर सेविंग मोड का एरर दिखाता है। तो सबसे पहले आपके सामने जब भी आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर यह एरर शो होता है पावर सेविंग मोड एरर का, तो आपको क्या करना है, अपना सीपीयू खोलना है। सीपीयू खोलने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी ये जो रैम है, अगर आपकी रैम पुरानी है, पहले की लगी हुई है, तो उस रैम को आपको निकालना है। एक बार देखिए, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इससे पहले भी मैंने दो वीडियो बना रखी हैं, उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख लेना, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपकी रैम ख़राब होती है तो उसकी क्या क्या सिम्टम है और उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने जो रैम है अपने मदरबोर्ड से निकाल ली है। अब निकालने के बाद क्या करना है ये आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने जो दो वीडियो बनाई हैं उसे आप देख लेना एक बार। क्या होता है, कई बार जब काफ़ी टाइम से हम अपना कंप्यूटर साफ़ नहीं करते क्योंकि हमें समय समय पर कंप्यूटर साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमारा कंप्यूटर ठीक तरीके से काम करता रहे। अब आप देख सकते हैं ये मैंने रैम निकाली है, तो इस पर ये जो आप ये गोल्डन कलर की जो पिनें देख रहे हैं, केबल इन पर कार्बन आ जाता है जिस वजह से इसके अंदर पावर सप्लाई पूरी तरह नहीं जा पाती है और इसके कारण क्या होता है, आपके कंप्यूटर पर पावर सेविंग मोड का एरर आता है और आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर की रैम निकालनी है। रैम निकालने के बाद इसे इरेजर से साफ़ कर देना है, लेकिन किस तरह साफ़ करना है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, तो वो वीडियो एक बार आप जरूर देख लेना जिससे कि आपकी रैम को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी इसमें डैमेज ना हो, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं इसके अंदर, तो इनका आपको ध्यान रखना है। बात रही नई रैम की, जब आप न्यू रैम परचेस करते हैं तो उसके अंदर भी ये होता है कि न्यू रैम परचेस करने के बाद आपने देखा होगा कि ये जो उसमें गोल्डन कलर की जो आप पिने देख रहे हैं उस पर एक कोटेड होता है जिससे कि उस पर मॉइस्चर ना आए या जंग वगैरह ना लगे। तो नई रैम लाने के बाद एक बार आपको क्या करना है, उसे इरेजर से साफ़ कर लेना है जिससे उस पर से जो भी जो कोटेड चढ़ा हुआ है वो हट जाए। उसके बाद आप कंप्यूटर में अपने प्लग करेंगे, तो प्लग करने के बाद उसमें पूरी तरह पावर सप्लाई जाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास लोगों के कमेंट आए हुए हैं, सर मेरा न्यू रैम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए उसके बाद पावर सेविंग मोड का एरर आ रहा है, तो उसे कैसे फिक्स करें। वो इसी वजह से होता है, न्यू रैम आप जब भी लाएं तो ये जो पिने हैं उसे आप इरेजर की मदद से साफ कर लें, उसके बाद अपने कंप्यूटर में रैम इंस्टॉल करें। तो ये तो रहे इसका एक रीज़न जो है इसकी वजह से पावर सेविंग मोड का एरर आता है और ये इसका सॉल्यूशन, आप रैम निकाल के दोबारा लगा सकते हैं उसे साफ कर। अब बात करते हैं इसके दूसरे रीज़न की, अगर इसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती उसके बाद आपको क्या करना है। ये इसमें आप देख रहे हैं ये जो बायोस बैटरी है, कई बार ये भी ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से पावर सेविंग मोड का एरर आता है। इसके ख़राब होने से और भी इसके कई सिम्टम हैं, वो भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि जब ये सेल आपका ख़राब हो जाएगा, ये देखिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये देखिए
तो इसे बायोस बैटरी बोलते हैं या सीमोस बैटरी भी बोलते हैं इसे। लेकिन इसका क्या कारण होता, इसका क्या रीज़न, इसका जो एरर शो करेगा आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर अगर ये ख़राब हो जाता है, तो चेकसम एरर का आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो एरर शो करेगा, चेकसम एरर। तो चेकसम एरर जो है इसी वजह से आता है जब ये सेल ख़राब हो जाता है। लेकिन कई बार ये पावर सेविंग मोड का जो एरर आता है वो भी इसकी वजह से आ सकता है। तो क्या करेंगे, एक बार आप उसे निकाल के साफ़ करके अच्छी तरह उसे दोबारा लगा दीजिए, और हो सकता है ख़राब हो तो उसे आप चेंज कर लीजिए। लेकिन चेंज करने से पहले आपको क्या करना है, इसे आप एक बार निकाल के साफ़ कर लीजिए, दोबारा लगाइए। अगर आप भी आपके सामने पावर सेविंग मोड एरर की प्रॉब्लम आती है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो मैंने आपको रैम जो बताई थी, रैम निकाल के दिखाइए, इसकी जो स्लॉट है ये आप देख सकते हैं, ये जो इसकी स्लॉट है, आपको किसी ब्रश से, जो दांत साफ करने वाला ब्रश होता है उसमें मिट्टी के तेल से या किसी ऐसे केमिकल से जिसे वाइट पेट्रोल बोलते हैं, जो आजकल मोबाइल वाले यूज़ करते हैं, तो वाइट पेट्रोल की मदद से आप ब्रश में लगाएंगे और इस जो स्लॉट है इसको साफ कर देंगे हल्का हल्का, तो इसमें जो कार्बन होगा वो भी हट जाएगा। उसके बाद आप रैम दोबारा लगाइए, फिर देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं होती। देखिए इनके अंदर आप ये जो मैंने आपको बताया रैम का बताया, और दूसरा जो इसकी जो सीमोस बैटरी है इसका जो बताया, तो चेकसम एरर और पावर सेविंग मोड का जो एरर आता है वो रैम को निकालने से, साफ़ करने से, या ये जो आपको मैंने सीमोस बैटरी जो दिखाई है इसे भी साफ़ करने से, निकाल के लगाने से, या चेंज करके देखने से भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। क्योंकि YouTube पर बहुत सारी मैंने वीडियो देखी है, उसके अंदर क्या है, रैम निकाल के साफ़ करते हैं, उसके बाद भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो उसके इस वीडियो के अंदर आपको मैं मैक्सिमम रीज़न बता रहा हूँ, उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो रैम आपने चेंज करके देख ली, ये साफ़ करके देख ली, सीमोस बैटरी जो है ये भी आपने साफ़ करके देख ली, लगा के देख ली, उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम अब भी पावर सेविंग मोड का एरर आता है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये आप देख रहे हैं, ये पावर सप्लाई है SMPS जैसे बोलते हैं, ये इसकी सारी केबल आ रही है नीचे से, आप देख सकते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, इसमें जितनी भी केबल आ रही है, जो भी आपके मदरबोर्ड में प्लग इन है, ये आप देख सकते हैं, जैसे ये केबल आ रही है मेरी, ये केबल आ रही है, और ये आप देख सकते हैं ये केबल आ रही है, और हार्ड डिस्क के अंदर है, मदरबोर्ड के अंदर है, जितनी भी केबल है इसकी, आपको क्या करना है, इन केबलों को निकालना है। जैसे कि ये केबल मैं निकाल देता हूँ, एक बार ये केबल मैंने निकाल दी। इस तरह आपको क्या करना है, जितनी भी पावर सप्लाई की केबल है आपको मदरबोर्ड से निकालनी है, निकालने के बाद दोबारा लगानी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पावर पूरी तरह नहीं पहुंच पाती है, तो कार्बन की वजह से या कोई भी कनेक्टर आपका लूज रह गया है, या कंप्यूटर हिलने डुलने से आपकी कोई केबल लूज हो गई है, तो उस वजह से भी पावर सेविंग मोड का एरर आता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस SMPS की जितनी भी केबल है आपको निकालनी है, निकालने के बाद दोबारा प्लग इन कर देनी है। ये मैंने केबल लगा दी है, इस तरह आपको ये केबल भी निकालनी है, जितनी भी केबल इसमें कनेक्टेड है वो सारी केबल आपको निकाल के दोबारा लगानी है। ये आप हार्ड डिस्क की केबल देख सकते हैं, ये जो पावर सप्लाई की हार्ड डिस्क से कनेक्ट हो रही है, ये केबल भी आपको निकालनी है, और ये जो आप देख रहे हैं नीचे केबल, हार्ड डिस्क की जो केबल है, आप साटा केबल जो देख रहे हैं नीचे, आपको शायद दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए ये जो केबल लग रही है, ये केबल भी आपको निकालनी है, निकालने के बाद दोबारा प्लग इन करनी है। इनको निकालने के बाद जब दोबारा लगाओगे तो अच्छी तरह आप अच्छी तरह लगाइए, जिससे भी कोई भी आपकी पावर सप्लाई का कनेक्टर लूज ना रहे। फिर आप दोबारा कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो आपके कंप्यूटर में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो आपकी फिक्स हो जाएगी, चाहे वो पावर सेविंग मोड का एरर हो या चेकसम एरर का मैसेज हो। तो इस तरह भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर आपको तीन बताया कि रैम की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, ये सीमोस बैटरी है ये आपकी ख़राब हो जाती है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो तीसरा आपको मैंने बताया ये जो पावर सप्लाई है इसका अगर कोई भी पावर लूज हो जाएगी तो उसकी वजह से भी पावर सेविंग मोड का एरर आएगा। तो आपको क्या करना है, बहुत आराम से वीडियो को ध्यान से देखने और समझने के बाद ही आप सारी केबल निकालिए, उसके बाद दोबारा लगा दीजिए, फिर आप कंप्यूटर जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने ये जो प्रॉब्लम है पावर सेविंग मोड एरर, ये 100% आपकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि 99% प्रॉब्लम तो उससे ठीक हो जाती है आपकी रैम की और सीमोस बैटरी से, लेकिन 1% चांस है जब आपका कंप्यूटर हिलता डुलता है या किसी वजह से कोई केबल लूज हो गई तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको अपना कंप्यूटर खोलना है, CPU खोलना है, उसके बाद जितनी भी केबल है ये निकाल देनी है। अगर या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप रैम निकाल के साफ़ कर लीजिए, CMOS बैटरी भी साफ़ कर लीजिए, अगर आपने कंप्यूटर अपना CPU खोला है
और उसके बाद जितने भी केबल है वो भी निकाल के दोबारा लगा दीजिए, यानी कि एक बार में ही सारे काम कर दीजिए। रैम निकाल के साफ कर लीजिए, सीमोस बैटरी भी, और पावर सप्लाई की जितनी भी केबल हैं इन्हें भी निकाल के दोबारा लगा दीजिए, क्योंकि बार बार आपको सीपीयू खोलना नहीं पड़ेगा, एक बार में ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जिन लोगों को पावर सेविंग मोड एरर नहीं आया है, हो सकता है उन्हें बाद में कभी ना कभी इस तरह की प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो की मदद से आप वो प्रॉब्लम आप फिक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम किसी को नहीं आती, कभी ना कभी किसी को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा काफ़ी टाइम से बंद रहता है, हम इसे इधर उधर रखते हैं, या कनेक्शन जितने भी हैं लूज़ हो जाते हैं, या कोई भी केबल लूज़ हो जाती है, या रैम के अंदर कार्बन आ जाता है, या हमारा सेल ख़राब हो जाता है, तो कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आपको आनी है। तो इस वीडियो की मदद से आप उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस प्रॉब्लम के लिए आप अपना कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर वाले की शॉप पर लेके जाएंगे तो वो आपसे इसके चार्जेस ले लेगा, क्योंकि आपको इस विषय में नहीं पता कि ये किस वजह से एरर आ रहा है। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, टेक्निकल कुछ नहीं है, फिर भी तो आप अपने आप ही खुद ही ये प्रॉब्लम फिक्स सॉल्व कर सकते हैं, आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी कुछ नॉलेज भी बढ़ेगी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, औरों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और जो भी आपके प्रश्न हैं कमेंट के माध्यम से पूछें, मैं उसका जो आंसर है देने की कोशिश करूंगा। और तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियो लाता रहूं। बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर और आपके जीमेल अकाउंट पर लगातार मिलता रहे। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे आई थिंक हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आई थिंक हिंदी देखते रहिए, सीखते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।